हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गणपति स्पेशल मोदक। यहाँ पे मोदक मैं आपको बिना स्टीमर और बिना सांचे के बनाना बताऊंगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैन में हम लेंगे लगभग 1 कप पानी। पानी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे, साथ ही इसमें 1 चम्मच हम घी डाल देंगे। पानी में उबाल आ गया है तो अब हम इसमें 1 चम्मच चावल का आटा डाल लेते हैं। अच्छे से मिलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, हमने 1 कप इसमें पानी डाला है तो उसमें 1 कप चावल का आटा डाला है, तो आप सेम मेजरमेंट के लिए सेम बर्तन यूज़ करें और बराबर क्वांटिटी में इसको ले। तो चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सूखा ये नहीं रहना चाहिए, तो अभी ये थोड़ा सा सूखा दिख रहा है, हम इसको और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, हम इसको गैस का फ्लेम बंद करके और कवर कर देते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए इसको स्टीम होने देते हैं, जिससे कि जो चावल का आटा है और अच्छे से पक जाएगा। जब तक ये स्टीम होता है तब तक हम दूसरी साइड स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच घी और उसमें मैं डाल दूँगी लगभग 1 कप ये क्रश्ड नारियल है, तो मैंने इसको ग्रेट नहीं किया है, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने इसको मिक्सी जार में टुकड़े करके ग्राइंड कर लिया था। तो ये इसको हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेते हैं। जैसे जैसे ये भुनेगा ना तो इसका कलर भी चेंज होगा और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा भून के अब हम इसमें 1/2 कप ये गुड़ डाल देते हैं। गुड़ की क्वान्टिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और बस हमें गुड़ मेल्ट होने तक इसको सेकना है। तो चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए गुड़ अब मेल्ट होने लग गया है, तो अब थोड़ी देर और इसको पकाना है। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, नहीं तो ये स्टिकी होने लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं, इससे ये मोदक में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आपको नहीं पसंद है इलायची पाउडर तो आप स्किप कर सकते हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पे ये आटा जो है 10 से 15 मिनट हो गए, ये भी अच्छे से स्टीम हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं और हाथों से एकदम मसल मसल के एकदम चिकना इसको बना लेंगे। अगर आपको लगे कि मिक्सचर जो है सूखा हो रहा है तो आप थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी लेके इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच और एकदम दबा दबा के एकदम चिकना डो बना लेंगे। अगर हम मोदक बनाने के लिए सांचे का यूज़ कर रहे हैं तो ये सफिशियंट है आटा हमारा ऐसा, लेकिन अगर हम हाथ से बनाते हैं तो हमें इसको थोड़ा और सॉफ्ट करना रहता है। तो अभी ये आटा रेडी है, यहाँ पे मेरे पास ये मोदक का सांचा है, तो इसको मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। थोड़ा सा घी लगा देंगे अंदर और इसको चिकना कर लेंगे, जिससे कि मोदक हमारे परफेक्ट बने और चिपके नहीं। स्क्रू लगा देंगे और फिर थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और थोड़ा सा उसको हाथों में घुमा के रोल कर लेंगे। यहाँ पे मैं आगे बताऊंगी आपको कि हम हाथों से कैसे बनाते हैं, वो भी आपको बता दूंगी। मिक्सर लेके हम इसमें थोड़ा सा सांचे में इस तरीके से डालेंगे और एक्स्ट्रा आटा रहेगा उसको हटा देंगे। तो अच्छे से दबा के उसको बिल्कुल कि सांचे के एंड पॉइंट तक हमारा मिक्सर पहुँच जाए और मोदक का शेप परफेक्ट आए। तो इस तरीके से थोड़ा सा दबा के पहले उसमें होल कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें स्टफिंग भी करनी है, तो थोड़ा सा इस तरीके से दबा के अंदर गड्ढा कर देंगे, ये देखिए। और अब हम इसमें ये जो मिक्सर हमने बनाया है वो डाल देंगे और ऊपर से इसको भी थोड़ा सा हम दबा देंगे और थोड़ा सा सूखा मिक्सर लेंगे और इसको कवर कर देंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा आटा रहेगा उसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए बहुत आसान होता है बनाना सांचे से, स्क्रू निकाल के इसको हम निकाल लेते हैं मोदक को। तो ये देखिए कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है मोदक हमारा। इसी तरीके से हमें सारे मोदक बनाने हैं, तो सांचे से तो ये बहुत आसान है, तो सारे मोदक हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए और जो साइड में थोड़ा सा निकला रहे उसको हाथों से दबा के आप परफेक्टली इसको शेप दे दें। अब मैं आपको हाथ से बना बता देती हूँ। तो हाथों से बनाने के लिए आटे को हमने थोड़ा सा और चिकना कर लिया अच्छे से दबा के, और इस तरीके से लोई बना के उसको हाथों से फैला देंगे। आप चाहे तो बेल भी सकते हैं, लेकिन ये आसानी से हाथों से भी फैल जाता है। तो इस तरीके से फैला के पूरी का शेप दे देंगे और उसमें हम आप स्टफिंग कर देंगे। तो हाथों से जो हम बनाते हैं ना उसमें हम स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, सांचे वाले में हम ज़्यादा स्टफिंग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे अपनी मन से आप जितनी भी स्टफिंग करना चाहे वो कर दें, और आप चाहें तो इसमें प्लेट भी डाल के बना सकते हैं। अपन जैसे मोमोज बनाते हैं उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको और इजी तरीका बता देती हूँ। इस तरीके से चारों साइड से उसको कवर कर लेंगे इस तरीके से, और फिर उसको दबा दबा के जो मोदक का शेप होता है ना वैसे दे देंगे। एक्स्ट्रा आटा रहेगा अगर तो उसको हटा देंगे। फिर हम एक टूथपिन से इस तरीके से स्ट्रिप बना देंगे, क्योंकि आटा चावल का बहुत सॉफ्ट होता है तो आसानी से उसके ऊपर स्ट्रिप बन जाती है। इस तरीके से उस पर स्ट्रिप बना देंगे। ऐसे भी मोदक बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, ये देखिए। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से इसे प्रेस कर देंगे, जिससे कि इसकी जो स्ट्रिप है वो निखर के आएगी। ये देखिए है ना आसान बनाना। तो ऐसे हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे अगर हाथों से हमें बनाने हैं तो। अब यहाँ पे ना मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था,
आप देख लें एक बार, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं चीज़। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1 से 2 घंटे भीगे हुए चावल थे उनको मैंने पानी हटा के एक प्लेट में निकाल लिया, फिर एक मोदक उठा उसको इस तरीके से कोट कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसको अलग मोदक को रूप देने की कोशिश करी है, तो सूखा चावल इस तरीके से लगा दिया और उसको रख दिया, कोट कर दिया चावल से। अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में हमने पानी डाल दिया और उसके ऊपर इस तरीके से छन्नी लगा दी। आप किसी भी आपके पास प्लेट हो इस तरीके से तो आप वो भी लगा के और मोदक को इसके ऊपर रख देंगे और कवर करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे। 25 मिनट बाद हम चेक करते हैं तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं जिससे इसका पानी अच्छे से छिट जाए। तो यहाँ पर ये मोदक हमारे बन के रेडी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए आप देख ही सकते हैं कि जो मैंने चावल कोट किए थे वो मोदक किस तरीके से दिख रहे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर वैसा चाहें तो। इसको हम कट कर देते हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टफिंग इसकी कितना प्यारा दिख रहा है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।